कई हफ्तों से पिहोवा में आग लगी हुई है, जिससे आम जनता बहुत परेशान है। सभी पूछ रहे हैं कि यह आग किसने लगाई है, परंतु इसका उत्तर किसी को भी नहीं मिल रहा। लेकिन इस आग के कारण आम जनजीवन अस्त व्यस्त है। समाचार पिहोवा का है। पिहोवा में कुरुक्षेत्र रोड पर नगर पालिका द्वारा पूरे पिहोवा की जिंदगी फेंकी जा रही है और इसमें हफ्तों से आग लगी हुई है, जिस कारण चारों तरफ कई कई किलोमीटर तक धुएं के अंबार लगे हुए हैं, जिस कारण मक्खियों और मच्छरों ने लोगों का जीना दुर्भर कर रखा है और तरह तरह की बीमारियों का अंदेशा है। लोगों ने प्रशासन की इस कार्यवाही पर दिल खोलकर निंदा की है। स्थानीय लोगों का कहना है कि इस धुएं के कारण उनका जीना दुर्भर हो गया है, यहाँ तक कि सांस लेना भी मुश्किल हो गया है। यहाँ पर वर्ण्य है कि सरकार किसानों की पराली जलाने पर तो एतराज करती है, परंतु अपने हाथों ही गंदगी के ढेर लगाने के बाद भी और उसमें आग लगाने के बाद भी कोई कार्यवाही नहीं करती। जब इस समस्या को लेकर नगर पालिका के उच्च अधिकारियों से मिलना चाहा तो कोई भी उच्च अधिकारी मौके पर मौजूद नहीं। स्थानीय लोगों ने नव निर्वाचित मंत्री संदीप सिंह से गुहार लगाई है कि जल्दी से जल्दी इस समस्या का समाधान किया जाए, ताकि पिहोवा इलाके में महामारी ना फैल सके। अब देखना यह है कि प्रशासन और सरकार इस समस्या के बारे में क्या करती है। ये जो आग लगी है, इसके बारे में बताइए आप। ये जो सारे शहर का गंदा जी पेवे का और ये यहाँ डंप कर रहे हैं, और कभी आग लग जाती है इसमें, और यहाँ आसे पासे वार्ड के अंदर है, सामने भी आबादी है, दाएं बाएं सारे आबादी है, बेहाल है। सांस लेने में भी दिक्कत आती है। मक्खी मच्छर इतने ज़्यादा हो गए हैं कि बीमारियाँ बहुत ज़्यादा फैल रही हैं, और कई बार इसकी शिकायत कर चुके हैं। आते हैं कहते भी दाब देंगे, दाबते नहीं, और 10-15 दिन बाद आग लग जाती है। लगाते हैं या लगाते हैं वो तो ये मानते ही नहीं कि हम आग लगाते हैं। बाकी आग लग जाती है, किस तरह लगती है हमारे को नहीं पता। बाकी मक्खी मच्छर इतने ज़्यादा हैं, शहर के अंदर है, ये शहर के बाहर होना चाहिए कहीं ना कहीं 8-10 किलोमीटर के, और यहाँ दोनों पासे हजारों लोग इसमें अफेक्ट हो रहे हैं बीमारी से। डेंगू फैल रहा है। आप जैसे डेंगू मक्खी इतनी ज़्यादा है कि कहीं भी बैठो आप बिना उसके बैठ नहीं सकते पंखे के। हाँ, सर्दी के हाँ, जैसे अभी भी देखा जा रहा है कि मक्खियाँ पूरी तरह चारों तरफ फैल रही हैं। अभी आप देखोगे चारों पासे मक्खियाँ बिल बना रही हैं, बच्चे बीमार हैं, खाना चीजा नहीं छोड़ सकते किसी तरह से, पशु भी परेशान है, आदमी भी परेशान। आवारा पशु भी यहाँ पर देखे गए, आवारा पशु क्योंकि डंप हो रहा है, उसमें कोई खाने की चीज ढूंढते हैं, सारे शहर के पशु आवारा पशु, वो भी एक्सीडेंट होते हैं कई बार, पशु सड़क पे आ जाते हैं तो उससे एक्सीडेंट भी होता है।